या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सदां कुलजनः प्रवत्सलज्जा तां त्वां नतां समुपरिपालय देवी विश्वम्। हम जगजननी महालक्ष्मी माता का ध्यान करते हैं, जिनकी आराधना करने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। 7 तारीख से नवरात्र का पावन पर्व आरंभ होने वाला है और सभी माता के भक्त अपने अपने तरीके से और अपने अपने श्रद्धा से माता भगवती की आराधना करेंगे। नवरात्रि में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है और कई तरह के मंत्र उस दौरान सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि नवरात्र का विशेष रूप से महत्व है कि नवरात्र में मंत्र जप कई गुना फल प्रदान कर देता है, क्योंकि नवरात्र के 9 ही दिन सिद्ध माने जाते हैं। इसके फलस्वरूप साधक जो भी मंत्र का जप करता है तो वह मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाता है और 9 ही दिनों में किसी भी दिन किसी भी प्रकार के अगर मंत्र का जप किया जाए तो वह तुरंत ही जागृत होकर के सिद्ध हो ही जाता है। इसलिए अवश्य ही हमें नवरात्र में मंत्र का जप करना चाहिए। देवी के अनेक मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं और ज़्यादातर लोग बीज मंत्रों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि बीज मंत्र एक अक्षर होता है और एकाक्षर होने के कारण मंत्र में ज़्यादा समय नहीं लगता है और कम समय में ही अल्पकाल में सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चाहिए कि नवरात्र में विशेष रूप से हम बीज मंत्रों को सिद्ध करें और आज मैं आपको श्रृंग बीज मंत्र के बारे में बता रहा हूँ, जिसे हम महालक्ष्मी या आदिलक्ष्मी के नाम से संबोधित करते हैं। उनका एक नाम श्री भी है, जो कि बीज मंत्र महालक्ष्मी का माना जाता है और यह बड़ा वैदिक काल का प्राचीन बीज मंत्र माना जाता है। प्राचीन काल में रत्नमाल नाम का एक स्थान था, जिसे वर्तमान में भीनमाल कहा जाता है और रत्नमाल के बाद में उसका नाम श्रीमाल हुआ और वहाँ पे वैदिक परंपराओं का और ऋषियों की महान परंपराओं का निर्वहन करने वाले ब्राह्मण निवास करते थे और वह स्थान बड़ा ही वेद उच्चारण से हमेशा संतप्त रहता था और हमेशा वेद गायन उस स्थान पर होते रहते थे। इस स्थान पर भृगु ऋषि के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था, जो कि जन्म से ही बड़ी चमत्कारी थी और जिस स्थान पर वह जाती थी उसके हाथ से स्वर्ण मुद्रा निकलती थी, इसलिए उसे श्री का नाम दिया गया था और यह बड़ा ही प्राचीन काल की एक अद्भुत घटना मानी गई थी। पश्चिम भारत के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में एक आर्बुदारण नाम से एक प्रसिद्ध मैदानी भाग था, जिसके आसपास का क्षेत्र जिसे श्रीमाल क्षेत्र माना गया था और वहाँ के निवासी ब्राह्मण उन्हें श्रीमाली ब्राह्मण नाम से संबोधित किया जाता था और पुराणों के अनुसार तप स्वाध्याय और निरत ऋषि मुनियों के वेद मंत्रों के उद्घोष से सारा वायुमंडल वहाँ पे गुंजरित रहता था। वर्तमान में इस स्थान का नाम राजस्थान के भीनमाल नाम से कहा जाता है और उस प्रदेश में प्राकृतिक सौंदर्य भी बड़ा ही रम्य था। इस सुंदर एवं पवित्र भूमि को देखकर स्वयं महालक्ष्मी ने वहां बसने की इच्छा जताई थी और विष्णु भगवान के आज्ञा के अनुसार उन्होंने महर्षि भृगु के घर में जन्म लिया था और वहां पे उनके चमत्कार के फलस्वरूप बड़ा ही सुंदर नगर का निर्माण हो गया था और दूर दूर से लोग वहाँ पर निवास करते थे और हमेशा वेद मंत्रों से वह स्थान गुंजायमान रहता था। इसलिए जैसे जैसे वह कन्या बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके चमत्कार लोगों को प्राप्त होते गए और जहाँ वह स्थान पर जाती थी जो उसके पास जाता था तुरंत उसे वह स्वर्ण मुद्रा प्रदान कर देती थी, इसलिए वह चमत्कारी कन्या बड़ी ही प्रसिद्ध हुई और श्री नाम से ही वह उसका संबोधित किया गया और श्री बीज मंत्र का इस काल में जप करने से, यानी कि श्री बीज मंत्र का जो व्यक्ति नवरात्र के दौरान जप करता है तो अवश्य ही उसे जल्दी सिद्धि हासिल हो जाती है।
क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी विद्वान और विद्वजन थे इस बीज मंत्र को जरूर सिद्ध कर लिया करते थे। चाहे कोई व्यापारी था, चाहे कोई पुजारी था, चाहे कोई ज्योतिषी था, चाहे किसी भी प्रकार का कोई साधक था, चाहे सन्यासी था, चाहे योगी था, इस बीज मंत्र को अवश्य ही हर लोग प्राय सिद्ध किया करते थे, क्योंकि यह बीज मंत्र बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध था और सतयुग से इस बीज मंत्र का जप किया जा रहा है। और विशेष रूप से इस बीज मंत्र की उत्पत्ति श्रीमान नगर से ही मानी जाती है और महालक्ष्मी का ही इस बीज मंत्र को रूप माना जाता है। इसलिए यह बात आप समझ सकते हैं कि इस मात्र इस छोटे से बीज मंत्र का जप करने से ही हमें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और विशेष रूप से नवरात्रों में जो व्यक्ति इस बीज मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो अवश्य ही उसे सिद्धि जल्दी हासिल हो जाती है। और नवरात्र का प्रत्येक दिन सिद्ध माना जाता है। 9 ही दिनों में देवी की आराधना की जाती है और जो व्यक्ति 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर लेता है तो उस व्यक्ति को यह बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए अवश्य ही हमें नवरात्र के किसी भी दिन शुरुआत करके इस बीज मंत्र को अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिए। 7 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और हर साधक को चाहिए कि वह किसी न किसी प्रकार के बीज मंत्रों का जप करे, क्योंकि हर साधक अपने इच्छा के अनुसार मंत्रों के जप करते हैं, मगर एकाक्षर होने के कारण बीज मंत्र का प्रायः जप लोग ज़्यादा किया करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम और महाकाली का बीज मंत्र क्रीम और कृष्ण बीज मंत्र क्लीम, इन मंत्रों के जप करके इनको सिद्ध किया जाता है। और हर प्रकार से श्रीम बीज मंत्र का जप करने से हमारे धन की समस्या दूर होती है, दरिद्रता व्यक्ति की दूर होती है, धन आगमन होता है। और जैसे जैसे बीज मंत्र सिद्ध होता है वैसे वैसे ही देवी महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर निवास करती है और उस साधक के धन आगमन के सभी रास्ते खोल देती है। चाहे व्यापारी है, चाहे बेरोजगार है, चाहे नौकरी की समस्या है, चाहे हर प्रकार की समस्या है, तो उससे छुटकारा, बाधाओं का निवारण इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से हो सकता है। तब आप इसकी ताकत समझ गए होंगे कि बीज मंत्र कितना शक्तिशाली माना जाता है। व्यक्तियों के नाम से पूर्व भी इस बीज मंत्र को लिया जाता है और श्री से ही आगे उस व्यक्ति का नाम संबोधित किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए बीज मंत्र आदिकाल से चला आ रहा है और विशेष रूप से महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। इसलिए अवश्य ही इस बीज मंत्र को नवरात्रों में सिद्ध करना चाहिए और 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जप करने के बाद में आदि लक्ष्मी की सिद्धि हो ही जाती है और व्यक्ति को विशेष रूप से धन प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और गुप्त धन भी देवी प्रदान करती है, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा व्यापारिक बाधाएं दूर होती है और धन आगमन के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए इस बीज मंत्र को नवरात्र के समय में सिद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के एक दिन में भी अगर इस बीज मंत्र को सिद्ध किया जाए तो वह मंत्र जागृत हो जाता है और शीघ्र महीनों में सिद्ध होने वाला मंत्र मात्र 9 दिन में सिद्ध किया जा सकता है। धन्यवाद।